देखिए नथ जेवरिया जंजीर सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बेकारी गौरी को इतना डांटती है, नाराज हो गई हो के बचाए, एक बार जाकर देखते। गौरी बेटा, आपने दवा नहीं खाया? आप आ गए हो ना, इसलिए हम दवाई खा लेंगे। ठीक है। सबसे मिलवाते हैं, चलो। आज के बाद हमसे और गौरी से दूर रहना। नहीं, अभी ना हम सबसे नहीं मिल सकते, हम लुक्का छुपी खेल रहे हैं ना, इसीलिए। लुक्का छुपी? हाँ, अगर अभी हम घर वालों से मिले ना तो फिर हम आउट हो जाएंगे। नहीं, हम आपको छुपाएंगे तो आप जीत जाओगे। सच्ची? सब ठीक है ना? आप पापा से नाराज है? नहीं बट आई एम रियली सॉरी। ओके पापा, हमें बुरा नहीं लग रहा। पूरी महुआ की कॉपी है, पल भर में नाराज और पल भर में खुश। बेटा हम पूजा करके आते हैं, ठीक है? अच्छा हुआ कोतवाल ने नहीं देखा, वरना पता नहीं कहा होता। पापा ने आपको नहीं देखा, आप आउट नहीं हुए। तुमरे होते हुए हम आउट कैसे हो सकते हैं? आर्यन को अम्मा जी को सच बताने से रोकना होगा। अरे जाओ, कुछ क्रिया चरित्र करके दिखाओ, जाओ। आर्यन, तुम ठीक तो हो ना? पंडित जी, महुआ की बरसी है, पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये ऐसे पूजा में क्यों बैठ गया? पूजा पूरे रीति रिवाज के साथ होनी चाहिए पंडित जी।
ओम पृथ्वी है शांति है राप है शांति है रोध है शांति औषध है या। तुम्हारे जिंदा होने का सच राज बनकर हमारे अंदर दफन रहेगा मावा। हम नहीं चाहते कि अम्मा जी और बाकी घर वाले तुमसे नफरत करें। महादेव ने हमें 5 सालों बाद मिलाया कोतवाल। तुम्हारी नफरत हमारे प्यार के आगे जीत नहीं पाएगी। हम गलत नहीं है और ये बात का एहसास हम तुम्हें करवा के रहेंगे। अग्नि का बजना और इस तरह महुआ की तस्वीर का गिरना किस बात का संकेत है? अम्मा जी, जिन आत्माओं की शांति के लिए शांति पाठ रखा गया है वो आत्माएं यही आसपास कहीं हैं। इसीलिए अग्नि भी नहीं जल रही है और ये फोटो भी गिर के टूट गई है। अरे ऐसे काहे अंधविश्वास फैला रहे पंडित जी आप। आर्यन की बच्ची और महुआ को मरे तो कई साल हो चुके हैं। जिस बच्ची की बरसी की पूजा रखी है वही बच्ची पूजा में आ गई।